हाय, आई एम डॉक्टर गौरी अग्रवाल और आज हम बात करेंगे पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा एंडोमेट्रियम नहीं बनता, हम पेशेंट्स को बहुत सारा ईस्ट्रोजन का टैबलेट देते हैं, जेल देते हैं, बट स्टिल डिस्पाइट ईस्ट्रोजन टैबलेट्स के हमारा एंडोमेट्रियम नहीं बनता है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम जो ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियोज के लिए चाहिए होता है वो मोर देन 7 ml चाहिए होता है। अगर नहीं बनता है तो कभी कभी हम हिस्ट्रोस्कोपी ट्राई करते हैं कि अंदर अधेशंस ना बन गए हों, लाइक इन एशमैन सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोसिस ना हो या फिर कोई पॉलिप ना हो। अगर ये सब कंडीशंस रूल आउट हो गई हैं एंड डिस्पाइट ऑल दिस एंडोमेट्रियम नहीं बनता है तो आजकल हम ट्राई करते हैं पीआरपी। ये पीआरपी हम लोग नेचुरली बनाते हैं। पेशेंट का अराउंड 14 ml ब्लड लेते हैं इन अ ट्यूब एंड सिंस वी हैव अ जेनेटिक सेंटर, हमारे पास आई सेंट्रीफ्यूज है जिसमें हम नेचुरल पीआरपी बनाते हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स और किट्स। इसमें से हम रेड ब्लड सेल्स अलग कर देते हैं और एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तैयार करते हैं जो बहुत केयरफुली तैयार किया जाता है। एंड सिंस ये जेनेटिक टीम तैयार करती है तो वो वापस उसको इवैल्यूएट भी करते हैं कि उसमें कितने प्लेटलेट्स हैं एंड देन ये प्लेटलेट्स हम यूट्रस में डाल देते हैं ट्रांसफ़र करने से पहले, 3 दिन ट्रांसफ़र करने से पहले। This time we did 14 transfer with PRP and 12 patients are positive. और वो patients जिनकी failed cycles थी, जिनका endometrium नहीं बन रहा था, तो आजकल अगर endometrium नहीं बन रहा है तो PRP is a very good result. But important is कि PRP को बहुत ठीक से किया जाए। So हम यहाँ पर Genestrings and Seeds of Innocence में PRP ठीक से बनाकर वो transfer कर रहे हैं। Thank you.